साल 2023 की रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस फिल्म को निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने बनाया है। 3 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर रिलीज होने के बाद 4 घंटे में सोशल मीडिया पर मिलियंस में व्यूज बटोर चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैंस रणबीर कपूर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं। इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट यानी कि रणबीर कपूर, रश्मिका मंदन, बॉबी देओल समेत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिल्ली में प्रमोशन के ट्रेलर लॉन्च में मौजूद रहे और सभी सितारों ने फिल्म के बारे में बातें साझा करते हुए अपने अनुभव को मीडिया के सामने रखा। एक्चुअली अगर आप स्टार के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो हर एक एक्टर ने मस्त काम किया है। लाइक आर के सर, अनिल कपूर सर एंड बॉबी देओल सर ने तो आंखों से ही अपने सारी बातें कह दी, और रश्मिका मंदाना मैम की तो बात ही अलग है। सो मतलब मूवी में सीन आइकॉनिक होने वाले हैं, और लाइक बॉबी देओल बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मूवी बहुत ज़्यादा सुपर हिट होने वाली है। एक तो स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, एज वेल एज मूवी के ट्रेलर और स्टोरी लाइन बाकी मूवी से काफ़ी डिफरेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रेलर देखकर गूज़बम्स आ गए थे लिटरली। पर रणबीर को इस तरह से देखना बहुत ही अमेजिंग था, बहुत एक्साइटिंग था। सो स्टार कास्ट पहले ऐसे कभी कंबाइन नहीं हुई है, बहुत ही रणबीर एंड बॉबी देओल एंड रश्मिका बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। मीन रणबीर एंड बॉबी देओल तो हैं बट रश्मिका साउथ से हैं, तो ये सारे एक साथ देखकर बहुत ही अच्छा है, पहली बार देख रहे हैं। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, आई हैड गूज़बम्स एक्चुअली, एंड इन 5 मिनट ट्रेलर आई जस्ट सॉ सो मेनी इमोशंस, आई हैड गूज़बम्स, आई हैड टियरी आईज, एंड इट मस्ट बी फन वॉचिंग द मूवी, आई एम श्योर।